नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं एसके टॉप एजुकेशन। और इस चैनल से नहीं जुड़े अभी तक जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही है। तो चलते हैं जो आज का टॉपिक है दोस्तों, वह देखते हैं। जो आज का टॉपिक है दोस्तों केमिस्ट्री का है, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका है एकल विस्थापन अभिक्रिया। हम जानेंगे इसको और समझेंगे बढ़िया तरीका से। आप बस क्लास में बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, यहाँ पर लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक के परमाणु या परमाणुओं की समूह परमाणुओं के समूह के किसी दूसरे परमाणु द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, विस्थापित कर दिया जाता है। कुछ इसका एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों। एग्जांपल लेंगे तो आपको यहाँ देखिए, आप यहाँ पे एक बार डिफिनेशन आपको समझा देते हैं दोस्तों क्या कर रहा है। एकल विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक, क्या दोस्तों, कोई यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को, यहाँ पर को लिख देते हैं दोस्तों, आसान रहेगा। परमाणुओं के समूह को यहाँ पर लिख दिए दोस्तों, यहाँ पर परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा क्या कहता है, विस्थापित कर दिया जाता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या किया जाता है, उसको बैठा दिया जाता है, मतलब विस्थापित कर दिया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं आपको आसान तरीके से समझने के लिए। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर फेरस लेते हैं प्लस कॉपर सल्फेट लेते हैं, हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर जो अभिक्रिया करेगा, तो अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर फेरस है जो लोहा होता है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमको इसको यहाँ पर स्थापित करना है, काहे कि इसका डिफिनेशन है कि किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा क्या कहता है, विस्थापित कर दिया जाता है। मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, Fe प्लस COSO4 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए विस्थापित कर दिया जाता है, तो उसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, उसे यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, काहे कि यहाँ पर दे दिए डिफिनेशन में, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है इसका एग्जांपल देख लेते हैं, Fe प्लस मतलब फेरस प्लस कॉपर सल्फेट। तो ये देखिए यहाँ क्या बनाएगा, अभिक्रिया कर फेरस सल्फेट बनाएगा प्लस Cu। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा था, यहाँ पर कॉपर सल्फेट बन रहा था दोस्तों, यहाँ पर देखिए तो कॉपर सल्फेट बन रहा था, पर अभिक्रिया किया तो क्या बना, फेरस सल्फेट बना। तो देखिए यहाँ पर इसके स्थान पर क्या स्थापित हो गया, फेरस, यहाँ पर कॉपर के स्थान पर क्या स्थापित हो गया दोस्तों, फेरस, यहाँ पर फेरस स्थापित हो गया। यही मेरा समझना था कि अगर ऐसे आपको कहीं भी मतलब क्या करता है बोर्ड में, क्या करता है इस तरह दे देगा, अभिक्रिया इस तरह करा देगा, आप पूछ देगा दोस्तों ये एकल विस्थापन अभिक्रिया है या संयोजन अभिक्रिया है या जो होता है डबल रिएक्शन अभिक्रिया जो होता है वह उभय विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश बोलते हैं, देखिए यहाँ पर फेरस जो हो गया ऐसे ऐसे बिहार बोर्ड में क्या करता है कि दे देता है और सारे बहुत सारे ऑप्शन दे देता है, ऐसे ऐसे क्या करता है, बोले ऐसे दे देगा रिएक्शन। देखिए ये नहीं देगा आपको डिफिनेशन, नहीं देगा बिहार बोर्ड में, क्या कर देगा, ऐसे दे देगा। आप पूछ सकता है कि दोस्तों ये उभय विस्थापन अभिक्रिया है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया है कि संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है, विघटन अभिक्रिया है, ऐसे ऐसे क्या देता है, मतलब चार ऑप्शन दे देगा, आपको पूछ देगा ये कौन अभिक्रिया है, तब आप कहे रहेंगे आप जानते होंगे, तो बता दीजिएगा कि ये क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया है। तो
तो हमको आशा हुआ कि आप लोग समझ में आ गया। सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमको आशा हुआ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इस मतलब पसंद के साथ लाइक करिए। ठीक है, शेयर